पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई। बहुत शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे। ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह ने भी कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। कानपुर में पुलिस कस्टडी मौत में नया खुलासे में एसएसपी के बयान पर सवाल खड़ा कर दिया है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई से मौत हुई या हार्ट अटैक से, वही कानपुर में पुलिस कस्टडी मौत में यह नया खुलासा हुआ है। साथ ही बता दें कि कानपुर पुलिस की ये पूरी पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि लगातार इस मामले पर अमिताभ ठाकुर ने एसएसपी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एसएसपी की कार्रवाई के साथ एडीजी जोन से मिलकर न्याय की मांग की है। बता दें कि पोस्टमार्टम में 22 जगह पिटाई के निशान पाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि 3rd degree से इसकी मौत हुई है। बता दें कि ये मामला जो है वो शिवली थाना क्षेत्र के पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले के में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नया खुलासा हुआ है। और साथ ही देर रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृतक के परिजन ने शव को नहीं उठाया है वहां से, अंतिम संस्कार करने के लिए वो मना करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में दिखे किस तरीके से कानपुर में ये मामला सामने आने के बाद माहौल कितना गर्म नजर आ रहा है, कैसे वहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि जो पीड़ित के घर वाले हैं उनका ये कहना है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे अभी जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम वहां से शव को नहीं उठाएंगे। बता दें कि ये जो मामला है कानपुर में आया है जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कानपुर पुलिस की पोल खोलती हुई लगातार नजर आई है। और इस दौरान ये झूठा निकला है कानपुर पुलिस एसएसपी के बयान के बाद ये मसला सामने आया है। साथ ही बता दें कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से मौत किस तरीके से हुई है और किस तरीके से 3rd degree के बाद ये मौत हुई है। बता दें कि व्यापारी चंद्रभान सिंह से हुई लूट और थाने में उसके भतीजे बलवंत सिंह की मौत के मामले में पुलिस की बर्बरता ये सामने आई, जहां पर पुलिस ने कस्टडी में उसकी जमकर पिटाई की जिसके उसके शरीर पे 22 चोटें मिली है। साथ ही जगह जगह नीले और काले निशान भी पाए गए हैं। बता दें कि ये मामला जो है कानपुर का है। कल कानपुर देहात के रनिया थाना में जिस प्रकार व्यवसायी बलवंत सेंगर की हत्या हुई और इस प्रकरण में कानपुर देहात की एसपी सुनीति की भूमिका सामने आई, उससे स्पष्ट है कि अब तक इस मामले में पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वह पूर्णतया दिखावटी और सतही है। मामले में एसपी सुनीति लगातार प्रकरण को रफा दफा करने, मामले को चलता करने के प्रयास में रही। मृतक के परिजनों को दिन भर हंगामा करना पड़ा, शव तक को पोस्टमार्टम हाउस से निकाल के लाना पड़ा, अन्यथा यह पूरा मामला दब गया होता। ऐसे मामले में एसपी सुनीति की भूमिका साफ दृष्टिगोचर हो रही है, लेकिन न तो एफआईआर में न कार्रवाई के तौर पे एसपी और किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मात्र थाना स्तर के अधिकारियों को निलंबित और एफआईआर दर्ज कर मामले को रफा दफा किया जा रहा है। एक लूट की घटना कारित हुई थी, विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना शिवली और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए, जिस क्रम में एक व्यक्ति बलवंत सिंह, जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा।
तत्काल फर्स्ट एड के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनका उपचार किया गया, पर उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड है हमारे। दानिश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से कानपुर में पुलिस कस्टडी मौत मामले में ये खुलासा हुआ है और एसएसपी के बयान पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्या कुछ एसएसपी का वो बयान था जिस पर ये सवाल खड़ा हुआ है और किस तरीके से इस बयान को लेकर अब पुलिस प्रशासन ही सवालों के घेरे में है? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये घटना कानपुर से आई है और कानपुर में कमिश्नरेट के लागू होने के बाद ऐसी घटना हुई है, सवाल तो खड़े कर रहा है, साथ ही चंडाल राज का उदाहरण भी दे रहा है। पहले कानपुर पुलिस की चोरी का वर्दी चोरी हो जाती है, फिर उसके बाद कानपुर पुलिस के कहीं व्यापारी के पैर कट जाते हैं, तो उत्पीड़न करते हैं। अब जो घटना है बहुत ही सेंसिटिव घटना है, हालांकि सांसद वहां के उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कोशिश की और साथ ही मांग करने की कोशिश की, लेकिन परिवार इस बात से सहमति नहीं देता पाए। परिवार का पहला उनसे कहना था कि मुख्यमंत्री खुद उनके गांव आए, उनसे बात करें और उनको नौकरी दी जाए। देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, यूपी पुलिस को जब तक पूरा पावर दिया गया है, पूरे पावर के तहत निर्देशों की जाने जा रही है, पिटाई से जा रही है, एम्बुलेंस से जा रही है, कुछ टाइम से गया और आप कानपुर की घटना ने कहने में उत्तर प्रदेश के खाके पर दाग लगा दिया है और यूपी पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी शर्मसार कर दिया है। हालांकि ईमानदार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस पर कार्रवाई 9 लोगों पर 11 लोगों पर तक की गई, एसओजी तिवारी को अरेस्ट कर लिया गया है प्रशांत को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी एसपी जिस तरीके से समिति का ये बयान जो आया है, उन्होंने कहा था कि पूछताछ में जो आरोपी पकड़े गए थे उनकी निशानदेही पर उसको रिहा के लेकर पूछताछ की गई थी, ये कैसी पूछताछ थी और ये कैसी कार्रवाई थी कि पूछताछ के दौरान स्वयं होता थर्ड डिग्री देखने से उसकी मौत हो जाती है, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और निकलता है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे सीधे हत्या की पुष्टि हो जाती है यानी पिटाई से मौत हुई है, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने वाले वो डॉक्टर भी दोषी थे, उन पर भी FIR हुई है? आखिर ये कैसा सिस्टम चल रहा है कि पूरा सिंडिकेट चल रहा था बचाने का, या पूरा सिस्टम चल रहा था, या पुलिस विभाग के साथ यूपी के स्वास्थ्य विभाग भी शामिल था, इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल हो गया। और अमिताभ ठाकुर ने जो सवाल यहाँ पे दर्शाया है वो सवाल बहुत ही जेन्युइन है। अमिताभ ठाकुर ने जो बात कही है कि एएसपी समिति पर कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एएसपी का जो बयान था वो बेहद शर्मनाक था। अगर ये निचले स्तर के अधिकारी बयान दे रहा होता, सीओ रैंक का अधिकारी होता तो समझ में बात आ रही थी, लेकिन एएसपी का बयान आ रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात ये क्या हो सकती है? उच्च अधिकारी पदों पर बैठे हुए जब ऐसी तरीके की गंभीरता नहीं दिखाएंगे और पीएम रिपोर्ट को उनको चैलेंज करना पड़ा, आखिर अगर पीएम रिपोर्ट ये ना आती तब तो पिटाई नहीं बल्कि सुसाइड का मामला बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत बर्बरता दिखाई गई है, उसके शरीर पे इतने ज्यादा गंभीर चोटें हैं, उसके शरीर पे इतने ज्यादा पीड़न दिखाया गया है कि इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे सवाल खड़ा होना लाजमी सवाल हो गया है। जी बिल्कुल दानिश, काफी शर्मनाक है ये। लेकिन दानिश, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ खुलासा हो गया है कि थर्ड डिग्री के वजह से कहीं ना कहीं उसकी मौत हुई है, परिजनों से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? नहीं देखिए, परिजन तो इसी बात पर सीधे, पहले तो परिजनों ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उसका बेटा या दोषी है, पहली चीज तो परिजनों ने सीधे सीधे पुलिस आरोप लगा दिया है कि बिना इंक्वायरी बिना पूछताछ की पुलिस लेती है। अभी कल अगर बात की जाए परिजनों ने ये बात रखी थी सामने की मुख्यमंत्री खुद आएंगे उनके गाँव और इसकी जांच निष्पक्ष की जाए, तो पहले निष्पक्ष जांच कर ली थी। जिस तरीके से उसके पीछे से जो भाव है, जो निशान बनाए जा रहे हैं, मारपीट की पिटाई के हैं और पुलिस की पिटाई के थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया है जिससे उसकी मौत हुई है, और मौत होने के बाद भी एसीपी ने बचाने का पूरा प्रयास किया, डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुष्टि नहीं हो पाई, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, तब उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है, ना कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालांकि एसपी के इस बयान ने कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन के साथ यूपी पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है कि सीओ रैंक से छोड़कर एसीपी रैंक का अधिकारी जो इसके बयान दे रहा है, अमिताभ ठाकुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष इससे लगा हुआ है, विपक्ष ने भी सवाल उनका जायज देने का, ये जनरल राज की पहली परिकल्पना है क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को पावर देने के बाद उसका मिसयूज हो रहा है, क्या कानपुर पुलिस क्या मिसयूज कर रही है, क्या कानपुर पुलिस के पास पूरा पावर इसलिए दिया गया तो हिरासत में लिया जाए तो वो जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा, क्या थाने से जाने के बाद कोई आरोपी हिरासत में लिया जाएगा तो क्या वो जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। और परिजन इस बात की मांग पर अड़े हुए हैं, 5 लाख का उन्होंने वापस सांसद का ठुकराया है, उनकी मांग की गई मुख्यमंत्री उनको 1 करोड़ रुपए और नौकरी के साथ उनके गांव उनसे मिलने आए, लेकिन अभी हालात तक हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के गाँव नहीं पहुंचे।
बिल्कुल दानिश, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके बाद कानपुर पुलिस की पहले पोल खुली, उसके बाद डॉक्टरों की भी पोल खुली, तो कहीं ना कहीं ये मिलीभगत आगे सामने आ रही है, ये मामला दब चुका होता, लेकिन इस मामले को जिस तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया उसके बाद इस मामले के एक पर एक परतें खुलती हुई नजर आई। देखिए, अमिताभ ठाकुर ने भी इसी बात को उठाया है और अमिताभ ठाकुर भी कभी उसी विभाग के मुखिया हुआ करते थे, कभी उसी विभाग के आईजी रैंक के अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने अगर बात उठाई है तो पुलिस विभाग की पूरी जानकारी उनके पास है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई है। अगर ये पीएम रिपोर्ट न होती और परिजन इस बात पर विरोध न करते, प्रदर्शन न करते, मीडिया को हाईलाइट, मीडिया ट्रायल न होता, तो मुझे लगता है कि इस चीज को पूरा दबाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि विभाग का जब कोई मामला होता है तो विभाग को बचाने का प्रयास पूरा अधिकारी करता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये साफ साफ दिख रहा था, बिल्कुल आईने की तरह एकदम साफ तस्वीर दिख रही थी कि वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने गाड़ी पुलिसकर्मियों और दोषी पुलिसकर्मियों को उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। एसओजी भी इसमें कहीं कहीं संलिप्त पाई गई, स्वास्थ्य टीम भी बनाई जाती है, वो अपराधियों को पकड़ने के लिए होती है, ना किसी के ध्यान लेने के लिए। एक मामूली छोटे केस में अगर किसी को थाने बुलाया गया है उससे पूछताछ होगी, ना कि उसको 3 डिग्री दी जाएगी, 3 डिग्री के बाद उसकी मौत हुई तो इससे पता चल गया कि थाने के अंदर कोई आरोपी अगर जाएगा तो शायद अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि यूपी पुलिस अब बेलगाम हो चुकी है। जंगल राज का पहला मुझे लगता है उदाहरण है, और अमिताभ ठाकुर के बयान में एक बात ये भी साफ आ रही है कि सीमिति जो एसपीएम से जो बयान था वो बयान से अब इस रिपोर्ट में क्या बयान देंगी, कल तक वो हार्ट अटैक चला रही थी और अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई का आरोप सीधे सीधे रिपोर्ट की पुष्टि हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि परिजन अगर इस चीज का विरोध न करते और उनकी मांग अगर न मानी जाती तो क्या इस चीज का खुलासा हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस विभाग से लेकर डॉक्टरों की पोल खोल के रख दी है और इस बात समझ में ये भी आ गई है कि मजलूमों को न्याय मिलना शायद उत्तर प्रदेश में शायद बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन हो गया है। जी बिल्कुल दानिश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 22 जगह पिटाई के निशान पाए गए हैं, इसके बाद से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होने लगा है, अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन पर ही क्या कार्रवाई की जा सकती है? नहीं देखिए, पुलिस 22 जगह पिटाई का निशान थे, पीएम रिपोर्ट में खुलासा होकर साबित हो चुका है और एसपी का वो बयान झूठा माना जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ के एएसपी उनका बयान झूठा निकला, अगर ये पीएम रिपोर्ट न हो पाती तब तो वो विभाग की बात मान जा सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात है कि अमिताभ ठाकुर के साथ परिजनों की एक मांग है कि अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि एक पैनल डीजी जोन से मिलेगा और एसपी दफ्तर पर कार्रवाई की बात करेगा, अभी तक एसपी पर कार्रवाई की गई 11 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन सस्पेंड कर देने से पहली चीज तो किसी की जान वापस नहीं आ जाए और हिरासत का पावर पुलिस को पूछताछ के लिए दिया गया है, इंक्वायरी के लिए दिया गया है, ना कि किसी को मारने के लिए पीटने के लिए दिया गया, ना ही किसी की हत्या करने के लिए। सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, परिजनों ने अपना सिराग को खोया है, परिजनों का दर्द या तो परिजन समझ सकते हैं या तो परिजन घर वाले समझ सकते हैं, लेकिन उनका दर्द भी समझना होगा और मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर मुझे लगता है कि शायद एक पहलू ये भी जो गंभीर दिख रहे थे, कभी 11 लोगों को सस्पेंड किया गया, लेकिन इसकी जो मांग है वो ये है कि उनको नौकरी दी जाए, उनके परिवार को अब कमाने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, सांसद ने 5 लाख का मुआवजा दिया था जो परिजनों ने ठुकरा दिया है। अमिताभ ठाकुर की बात भी कहीं ना कहीं जेन्यून है कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर जांच करें, एएसपी को तुरंत निलंबित किया जाए और जो इसमें दोषी है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही तो स्पेशल एजेंसी जांच की जाए। ये भी सबसे बड़ा सवाल है, जीरो टॉलरेंस का वादा लेकर के मुख्यमंत्री आए हैं और जीरो टॉलरेंस का वादा निभाना उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, जो मारा गया है वो किसी परिवार से पीड़ित व्यक्ति था, उसकी हत्या हुई है और उसने चिराग को खोया है। मुख्यमंत्री को इस बात को समझना होगा, प्रशासन को बात समझना होगा, शासन को भी समझना होगा, यूपी की जनता उनकी अपनी जनता है, अगर उनके साथ ही न्याय नहीं हो पाएगा तो फिर भविष्य में फिर न्याय की उम्मीद को कैसे करेंगे। बिल्कुल दानिश, सही कहा आपने, जिस तरीके से अगर जनता के साथ ही न्याय नहीं हो पाएगा तो कैसे पुलिस और जनता के बीच जनता अपनी बातें हर चीज पुलिस तक ला पाएगी। दानिश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 3rd डिग्री से यह मौत का मामला हुआ है, मौत हुई है, ये बात सामने बार बार आ रही है, तो 3rd डिग्री उस वक्त अपनाया जाता है जिस वक्त जो सामने वाला है वो बहुत बड़ा क्राइम करके आया हो, क्या लगता है ये अंदर कुछ और ही चीजें चल रही थी जिसकी वजह से ये 3rd डिग्री अपनाना पड़ा पुलिस को और पुलिस उसके बाद इस मामले को कवर करती हुई नजर आई? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई इंस्पेक्टर या कोई एसआई या कोई मैं कह सकता हूँ सीओ लेवल का कोई वरिष्ठ अधिकारी जब किसी जनपद में उसकी नियुक्ति होती है तो उनके लिए टास्क होता है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस तरीके से पेश आते हैं जैसे लगता है कि क्राइम उन्हें वो होने नहीं देंगे और कानून व्यवस्था से चलेगी। अक्सर देखने में आता है कि वरिष्ठ अधिकारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं किसी जनपद में तब चार्ज मिलता है तो चार्ज में उनका रूप कुछ और होता है, चार्ज के कुछ दिनों बाद उनका रूप कुछ और बदल जाता है, जब घटनाएं बड़ी होने लगती है, मीडिया ट्रायल होने लगता है, शासन तक बात पहुंचने लगती है, तब एक दबाव होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्या दबाव में ये बात पॉसिबल है कि किसी
किसी को उठा करके अंदर कर दिया जाए या किसी को फर्जी केस में जेल भेज दिया जाए या किसी के साथ थर्ड डिग्री दे करके उससे जबरन इस चीज को कुबलवाया जाए कि आप दोषी हैं। क्या जबरन कुबलवाने को लेकर के ही काम चल रहा है? क्या जैसे जिस तरीके से मूवी फिल्मों में दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को, पुलिस की छवि को, तो क्या उसके निशाने पर पुलिस चल रही है या उसकी मिमिक्री पे पुलिस मोटिवेट हो रही है? देखिए, फिल्मों की और हकीकत की बात कुछ और होती है। जिस तरीके से यूपी पुलिस के एक के बाद एक कानपुर में, तो मैं कह सकता हूँ तीसरा केस है ये। पहले कानपुर में जो है सिपाही दरोगा की वर्दी तोड़ डाले गए, उसके बाद उसके पैर पे गोली मारी गई, 12 दिन बाद खुलासा हुआ। उसके एक सब्जी वाले का अतिक्रमण अभियान चला, उसके पैर खोप कट गए। और आप ये तीसरा मामला है, तो क्या कानपुर पुलिस ने इस बात को लेकर के एक तय कर दिया है कि आपकी सुरक्षा सदैव हमारा तत्पर नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा सदैव हमारा उत्पीड़न है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को कौन सी प्रशिक्षण की जरूरत है, कौन सी गाइडलाइन की जरूरत है? क्या थर्ड डिग्री देने से ही सारी चीजें की परतें खुलेंगी? क्या थर्ड डिग्री देने से कानून व्यवस्था बराबर हो जाएगी? क्या थर्ड डिग्री देने से क्या नजीर पेश हो जाएगी? क्या थर्ड डिग्री देने से क्राइम नहीं होगा? क्या थर्ड डिग्री देने से लूट नहीं होगी, चोरियां नहीं होंगी? क्या थर्ड डिग्री देने से उत्पीड़न नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस प्रशिक्षण में इस बात की जरूरत है, मुख्यमंत्री को सबसे पहले पुलिस के प्रशिक्षण की, मुझे लगता है कि संविधान में पुलिस प्रशिक्षण का सबसे ज्यादा योगदान होता है, पुलिस प्रशिक्षण देने में मुझे लगता है सुधार की जरूरत है। जब तक उत्तर प्रदेश के सिपाही से लेकर के डीजीपी रैंक के अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, पुलिस प्रशिक्षण के दौरान ये नहीं बताया जाएगा कि अपराधी जब तक अपराधी नहीं है, जब तक वो न्यायालय उसको साबित न कर दे, हिरासत में लेना पुलिस का पहला पावर है, लेकिन उस पावर का मिसयूज के तहत किसी की जान चली गई, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। 22 घाव, 22 निशान पिटाई के दिखाई दे रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के पोस्टमास्टर रिपोर्ट ये बयान कर रही है कि पुलिस की लाठी, पुलिस के पट्टों में कितनी ताकत होती है कि एक मजलूम की जान चली गई। अब वो जान वापस नहीं आ पाएगी, घर का चिराग वापस नहीं आ पाएगा, भले उनको मुआवजा दे दिया जाए, भले उनको नौकरी दे दी जाए, लेकिन नजीर जल्दी पेश हो पाएगी जब पुलिस प्रशिक्षण में सुधार होगा, जब पुलिस प्रशिक्षण में इस बात की सहमति बनेगी, कानून व्यवस्था का खौफ जब बनेगा, जब एक आम आदमी, एक मजलूम आदमी थाने में निडर होकर जाएगा और अपराधी डर के मारे कानून व्यवस्था से डरेंगे, तब जाकर के एक मिसाल पेश होगी। हालांकि इस बात की मिसाल बिल्कुल नहीं पेश होगी कि निर्दोष की जान चली। जी बिल्कुल दानिश, इस तरीके से थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके पुलिस सच नहीं उगलवा सकती है, जो है वही रहेगा। ये पुलिस को भी समझना पड़ेगा और ये भी पुलिस को समझना पड़ेगा, जो सामने जो इंसान सामने जो बैठा है वो भी एक इंसान है, उस पर आप इस तरीके से थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके आप किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकते हैं, और उतारने के बाद भी आप उसको छिपा रहे हैं, ये काफ़ी शर्मनाक है। शव को लेकर अभी ये सामने आया कि अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन मना करते हुए सामने आए, तो और परिजनों का क्या कुछ कहना था इस मामले को लेकर, परिजन और क्या कुछ कहते हुए आगे आए हैं? नहीं देखिए, परिजनों का दर्द तो परिजन समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे हालत में तो इंसान अपना आपा भी खो बैठा है। लेकिन जिस तरीके से मृतक के परिजनों ने ये भी मांग रखी है सरकार से कि मुख्यमंत्री उनके गृह जनपद आए और उनसे मिले, वो बात अपने मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं। शायद उन्हें वहाँ की लोकल पुलिस की जाँच पर भरोसा नहीं है, शायद उन्हें वहाँ की लोकल पुलिस पर जाँच उनकी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एएसपी का बयान पहले कुछ और था, पीएम रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब क्या होगा बयान, ये भी सोचने वाले। लेकिन परिजनों की सीधी मांग है कि वो सांसदों के 5 लाख के ऑफर को ठुकरा चुके हैं, उनका सीधा से पहला सा मांग है, तो शायद इनके दर्द पे मैं कह सकता हूँ कि खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन मरहम के तौर पे ये जरूर हो सकता है। उन्होंने बात कही है कि मुख्यमंत्री हमारे गृह जनपद आएंगे और आए उसके बाद उनकी सुने, उनका दर्द समझे, इस पर जांच हो इसकी। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग कर रहे हैं, एक घर में किसी व्यक्ति की नौकरी की बात कर रहे हैं। देखिए, उनका भी एक कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने दर्द को कहीं ना कहीं हल्का करना चाहते हैं। किसी ने किसी के चिराग को खोया है, किसी ने किसी का दर्द खोया है, लेकिन यूपी पुलिस को ये बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वर्दी पहनने के बाद शायद मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो वर्दी पहनती है तो अपने हार्ट को निकाल करके शायद बाहर रख देती होगी। जिस तरीके से अमानवीय चेहरा दिखाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब परिजनों के दर्द को कौन मलहम लगाएगा, परिजनों की आप बीती कौन सुनेगा, सोचने वाली बात है। क्या मुख्यमंत्री इस चीज को मानेंगे, या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर माफी मांगेंगे, क्या एसपी पर कार्रवाई होगी? देखिए, परिजन भी तभी संतुष्ट हो सकते हैं जब उनको ये बात का अंदाजा हो जाएगा, उन्हें इस चीज की का भरोसा हो जाएगा कि उनके साथ न्याय होगा। न्यायालय बना है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा ये समझनी होगी, प्रशासन अगर उनके साथ न्याय नहीं करता है तो शायद न्याय में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। जी बिल्कुल दानिश, हम ये मुद्दा लगातार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हम चाहते हैं जो परिजन है उसको न्याय मिले। जो बलवंत सिंह की जो मौत हुई उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं और डॉक्टर्स पर भी सवाल खड़े हुए हैं, इस पर भी कार्रवाई हो। इस दानिश, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, जिस तरीके से बलवंत सिंह की मौत हुई और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पुलिस प्रशासन का इस पर क्या रिएक्शन था?
नहीं देखिए, पीएम रिपोर्ट आने के बाद तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने से पहले जहां वहां के एसपी का जो बयान आ गया था, और बयान भी वो इस तरीके से निडर होकर दे रही थी जैसे लग रहा था कि घटना बहुत छोटी सी हो। उन्होंने इस तरीके से कहा कि संज्ञान में प्रकरण आया और जो आरोपी थे, जो अभियुक्त थे, उनकी निशानदेही पर हमने इसको उठाया। तो उठाने की बात नहीं थी, पुलिस को किसी को रक्त में ले सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रकरण हुआ उस पर उच्च अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की छवि जहाँ पुलिस से ही बनती है और पुलिस से ही खराब होती है, जिस तरीके से यूपी पुलिस और यूपी सरकार की छवि को खराब किया गया है कानपुर पुलिस कर्मियों द्वारा, उससे बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ शर्मनाक है। ये देखना पड़ेगा कानपुर पुलिस को कि प्रशिक्षण में क्या, प्रशिक्षण में ये बात बताई जाती है कि किसी को हिरासत में लेना अपराध होना नहीं है, किसी को पूछताछ करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, किसी को बुलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, किसी की निशानदेही पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि न्यायालय अपने फैसले से काम करता है, न्यायालय प्रूफ पे काम करता है, न कि पुलिस की हिरासत से, पुलिस की पूछताछ पे काम करता है। संविधान के मुताबिक तो कोर्ट एक तो मैं कह सकता हूँ पुलिस को उस बयान को ही नहीं मानता, ये बयान दर्ज कराते हैं। न्यायालय जब तक अपने अपने एविडेंस अपने न्यायालय में नहीं बयान ले लेता तब तक उस बयान पे कार्रवाई नहीं करता है। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, कानपुर पुलिस क्या हो गया है, क्या कमिश्नरेट के लागू होने के बाद क्या पुलिस का आपको बैठी है, क्या कमिश्नरेट के लागू होने के बाद यूपी पुलिस के प्रशिक्षण की जो गाइडलाइन है वो भूल चुकी है, क्या यूपी पुलिस को प्रशिक्षण दोबारा देने की जरूरत है, क्या सर्विस पाने के बाद प्रशिक्षण होना चाहिए या सर्विस से पहले प्रशिक्षण होना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तो जभी मिल सकता है जब कोई यूपी स्टेट लेवल का मुखिया बोले इस बात से, विपक्ष इस मुद्दे को उठाए, या ये भी हो सकता है कि अमिताभ ठाकुर जैसे लोग ईमानदारी से सवाल उठाए। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जानने का प्रयास जनता भी कर रही है, वहाँ के परिवार परिजन वाले कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर को खोया है, अपने सदस्य को, अपने चहेतों को, कई लोग, कई चीजें हैं जो समझने वाली हैं, लेकिन ऐसा समझने के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रशासन और शासन को तय करना है। मीडिया तो केवल सवाल करती है और उसके सवाल अगर जेन्यून है तो जरूर शासन और प्रशासन को इससे सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, प्रशासन को भी सोचना चाहिए। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम कानपुर का मसला बता रहे थे जहां पर बलवंत सिंह की मौत हो गई है, और इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात खुलकर सामने आई है कि किस तरीके से 22 जगह बलवंत सिंह को चोटें आई हैं और किस तरह से थर्ड डिग्री के वजह से उसकी मौत हो गई। जिस तरीके से परिजन अब इस मामले को उठा रहे हैं और इस दौरान प्रदर्शन करते हुए साफ नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर परिजनों का कहना है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगा गया है कि जो उन्होंने कहा था वो झूठ कहा था, साथ ही इस मामले को लेकर डॉक्टरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से कानपुर का ये मामला सामने आया है, काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस तरीके से डॉक्टर पुलिस, जिस पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वही इस तरीके का काम करे तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि हम विश्वास किस पे करें। डॉक्टर जिस पे जो हम उनको मानते हैं, जो कुछ भी होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। पुलिस जिस पे हम हर चीज़, जो क्राइम होता है या कोई भी चीज़ होती है उसको लेकर सबसे पहले हम पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस और डॉक्टर ही अगर इस तरीके के इस मामले को लय दे रहे हो और छुपाते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी चीज़ों को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो, तो हम भरोसा किस पे करेंगे, जनता किस पे भरोसा करेगी। फिलहाल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में इतना ही, नमस्कार। पहली बात तो आपको मुबारक, गुजरात में जो भव्य जीत हुई, बहुत शुक्रिया आपका। 32 साल की मोहर लग गई। देखिए गुजरात की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे कि आप जीतेंगे और इस तरीके से जीतेंगे, ये चुनाव में लोगों ने चुनाव के पहले एग्जिट पोल वगैरह नहीं कहा, और आम आदमी पार्टी ने जो है वो छोटे भाई का रोल अदा किया। देखिए ये केवल अपनी फेस सेविंग के लिए, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बात कर सकता है।